सिंहावलोकन इस समृद्ध भारत को सच्चे तौर से समृद्ध बनाने वाले जन सामान्य और उनके सपनों को साकार करता बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आइए इस महाबैंक के 87 साल के सुनहरे और रोचक इतिहास पर एक नजर डालते हैं। वर्ष 1935, बढ़ती अर्थव्यवस्था और वित्तीय कारोबार में बढ़ोतरी के लिए पूंजी इकट्ठा करने का एक बड़ा लक्ष्य देश के सामने था। वित्तीय सलाहकारों के एक लंबे विचार विमर्श के अंतराल के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र रूपी सोच का उदय हुआ। बैंक का पंजीकरण 16 सितंबर 1935 को पूरा हुआ। निर्देशक मंडल में सर्वश्री प्रोफेसर वी जी काले अध्यक्ष, डी के साठे, बी एम गुप्ते, एन जी पवार, टी वी रानड़े, वी पी वर्दे, एम आर जोशी, एस जी मराठे, आर सी सोहोनी, एफ डी पद्मजी इत्यादि संचालक थे। बैंक का कार्यकालीन कामकाज 8 फरवरी 1936 को पुणे के लक्ष्मी रोड स्थित काका कुआ मेंशन में आरंभ हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इस पहली शाखा के शाखाधिकारी श्री एम वी गोखले जी थे। वी डी खाडिलकर कैशियर तथा कृष्णा भोसले भी उनका काम संभाल रहे थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री वी जी काले जी ने बैंक के उद्घाटन समय पर मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद देते हुए कहा, जनसामान्य से जमा शेयर पूंजी से निर्मित ये बैंक है। उद्घाटन के पश्चात कई सारे प्रसिद्ध लोग एवं संस्था जैसे कि मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, केसरी वृत्तपत्र, प्रभात फिल्म कंपनी, सरस्वती सिनेटोर, मिरत संस्थान, डफड़े सरकार, बृहन महाराष्ट्र शुगर सिंडिकेट, ठाकुर सावदेकर, ऐसे अनेक नाम बैंक के खातेदारों में सहभागी हुए। 1965 तक बैंक का प्रतीक ऐसा हुआ करता था। बाद में इस नए प्रतीक को बैंक द्वारा सार्वजनिक किया गया। एम और बी अक्षरों के बीच बना यह दीपमाला बैंक की महाराष्ट्र के प्रति भक्ति, सांस्कृतिक प्राथमिकता एवं इसके उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1967 के बाद इस नए प्रतीक को सार्वजनिक किया गया। इसमें संस्कृत से लिया शब्द मुद्रेयम लोकमंगला बैंक के लोक सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित होने की प्रतिज्ञा को दर्शाता है। अंग्रेजी अक्षर के 3M यानी मोबिलाइजेशन ऑफ मनी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेथड्स, मोटिवेशन ऑफ स्टाफ बैंक की विचारधारा को और स्पष्ट करते हैं। 26 अक्टूबर 1944 से बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपनी निजी पूंजी 5 लाख से अधिक होने के कारण रिजर्व बैंक के निरीक्षण में अनुसूचित कमर्शियल बैंक बन गई। विश्व युद्ध काल में भी एक ही वर्ष में 66 लाख जमा से 99 लाख जमा हुए। 1945 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुल व्यवसाय लगभग 2 करोड़ रुपए पहुंच गया। 1947 को बैंक का पहला सेफ डिपॉजिट लॉकर सुविधा फल्टन गली शाखा सोलापुर में शुरू हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के तहत भारतीय गणराज्य घोषित हुआ। वर्ष 1943 से 1953 में श्री डी के साठे बैंक के अध्यक्ष थे। 1944 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ। शाखा विस्तार करते हुए महाराष्ट्र के बाहर हुबली कर्नाटक में पहली एवं आंध्र प्रदेश की पहली शाखा हैदराबाद के सुल्तान बाजार में 1949 को शुरू हुई। कर्नाटक के हरिहर में 1952 में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा खोली गई। बाजीराव रोड पुणे में बैंक का निजी भवन निर्माण 1950 में शुरू होकर 1953 में निर्माण कार्य समाप्त हुआ। भारत सरकार ने पहली पंचवार्षिक योजना 1951 से 1956 के बीच घोषित की। इस दौरान बैंक के निरंतर प्रयास से लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग से जुड़ने का चयन किया। दूसरी पंचवार्षिक योजना सन 1956 से 1961 के बीच संपन्न हुई। सरकार द्वारा उद्योगीकरण का काम बड़े स्तर पर इस बीच शुरू किया गया। वर्ष 1961 से 1966 के बीच तीसरी पंचवार्षिक योजना में सरकार ने खाद्य एवं कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया। इन सब के बीच वर्ष 1954 से 1966 तक श्री वी पी वर्दे बैंक के अध्यक्ष रहे। इनके कार्यकाल में गांव तक बैंकिंग पहुंचाने के लिए
रूरल ब्रांच 1953 में किर्लोस्करवाड़ी में खोली गई। ऑटो रिक्शा खरीदने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लोन देना शुरू किया। वर्ष 1957 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुल व्यवसाय 10 करोड़ रुपए के पार हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1960 में अपनी रजत जयंती मनाई। बैंक को रिजर्व बैंक की तरफ से 1960 में विदेशी मुद्रा विनिमय का लाइसेंस प्राप्त हुआ। वर्ष 1966 से 1967 के बीच श्री एस एल किर्लोस्कर बैंक के अध्यक्ष रहे। इनके कार्यकाल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश एवं गुजरात में अपनी शाखाएं विस्तृत की। वर्ष 1967 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुल व्यवसाय 100 करोड़ रुपए के पार हुई, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चौथी पंचवार्षिक योजना सरकार द्वारा वर्ष 1969 से 1974 के बीच संपन्न की गई। इस दौरान सरकार ने कृषि, सिंचाई एवं आत्मनिर्भरता पर नए सिरे से कार्य किया। इसी बीच सन 1967 से 1973 तक श्री सी वी जोग बैंक के अध्यक्ष रहे। श्री जोग जी के कार्यकाल में वर्ष 1969 में 13 अन्य बैंक के साथ साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का राष्ट्रीयकरण घोषित हुआ। वर्ष 1972 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्यालय में कंप्यूटराइज्ड हेतु IKK-101 सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। पांचवी पंचवार्षिक योजना वर्ष 1974 से 1978 के बीच पूरी हुई। स्वस्थ एवं सामाजिक उत्थान के लिए सरकार ने इस दिशा में प्रशंसनीय पहल की। तब वर्ष 1973 से 1977 के बीच श्री वी एम भिड़े बैंक के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में महाराष्ट्र राज्य के बाहर बैंक शाखाएं विस्तारित करते हुए आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब राज्य में शाखाएं खोली गई। 26 अगस्त वर्ष 1976 को पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। इसी वर्ष बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुल व्यवसाय 500 करोड़ रुपए के पार हुआ। वर्ष 1977 से 1983 के बीच श्री एम वी पटवर्धन बैंक के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल रहे थे। इनके कार्यकाल में बैंक ने 5 स्तरीय बैंकिंग संरचना अपनाई। वर्ष 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ। वर्ष 1979 के दौरान महाबैंक कृषि अनुसंधान एवं ग्रामीण विकास फाउंडेशन का पंजीकरण एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में किया गया। इसकी स्थापना किसानों को आर्थिक सहायता तथा सदन सेवाएं देने हेतु की गई थी। इसी वर्ष में पुणे स्टॉक एक्सचेंज का कार्य बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाजीराव रोड पुणे शाखा में शुरू हुआ। वर्ष 1979 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुल व्यवसाय 1000 करोड़ रुपए के पार हुआ। इसी बीच छठी पंचवार्षिक योजना 1980 से 1985 के बीच संपन्न हुई। गरीबी दूर करने की ओर इस बीच कई नए कदम उठाए गए। बैंक ने वर्ष 1980 के दौरान नरीमन पॉइंट मुंबई में महाराष्ट्र राज्य की 500वीं और देश की 671वीं शाखा का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कर कमलों द्वारा किया गया। यह एक विशेष मौका था जब किसी राष्ट्रीय बैंक ने एक ही राज्य में 500 से अधिक शाखाएं खोलने का गौरव हासिल किया था। And I thought that this was an important enough occasion for me to come and give my good wishes, not only to this particular branch, but to the good work that the Bank of Maharashtra has been doing. And we hope that this bank, as well as other banks, will play a very noteworthy role in that. So may I congratulate you and give you my good wishes. 7th Panchvarshik Yojana, वर्ष 1985 से 1990 के बीच संपन्न हुई। सरकार द्वारा इस योजना में खाद्य एवं ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। उस वक्त वर्ष 1983 से 1989 के बीच श्री पी एस देशपांडे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद पर रहे। इस काल में उन्होंने बैंक के संगणकीकरण का मुख्य कार्य किया। वर्ष 1987 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 1000वीं शाखा का
पुणे के इंदिरा बसात बिब्बेवाड़ी में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इनके शुभ हाथों से उद्घाटन हुआ। देश में ग्रामीण उपभोक्ताओं तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचाने तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने हेतु बैंक द्वारा ग्रामीण विकास केंद्र हड़पसर पुणे तथा भिगवन जिला पुणे में शुरू हुए। ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक कृषि का प्रशिक्षण प्रदान कर इन केंद्रों ने देश को और ज्यादा सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है। वर्ष 1988 में पहली ओवरसीज ब्रांच मुंबई में स्थापित हुई। सन 1992 से 1997 के बीच सरकार द्वारा गठित 8वीं पंचवार्षिक योजना अपने साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार रूपी लक्ष्य सामने लेकर आई। तब वर्ष 1979 से 1993 के बीच श्री टीके भागवत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष रहे। इनके कार्यकाल में किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे किसानों को सही समय और सही दर पर ऋण उपलब्ध कराकर उनके जीवन को बेहतर बनाने हेतु महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया गया। इस काल में तकनीकी बढ़ोतरी तथा कार्य कुशलता के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर की बैंक में स्थापना हुई। स्विफ्ट अर्थात ऐसी नेटवर्क प्रणाली जिससे बैंक व्यवहार अधिक सुरक्षित एवं शीघ्र होते हैं, उसकी सदस्यता बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राप्त हुई। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था बन गई। इसी वर्ष बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुल व्यवसाय 5000 करोड़ रुपए के पार हुआ। वर्ष 1993 से 1995 के बीच श्री पी वी कुलकर्णी जी बैंक के अध्यक्ष पद पर रहे। इनके कार्यकाल में बैंक ने मुनाफा वसूली बढ़ाने और एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस घटाने के ऊपर नए सिरे से कार्य किया। ग्राहकों को और भी अच्छे दर पर ऋण मुहैया कराए गए। वर्ष 1995 से 1997 के बीच श्री एस ए कामत को बैंक अध्यक्ष घोषित किया गया। इनके कार्यकाल में बैंक को वर्ष 1995 से 1996 के लिए आरबीआई के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के अंतर्गत सी श्रेणी की निचली रेटिंग के मुकाबले उच्चतम ए श्रेणी रेटिंग प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। वर्ष 1995 को भारत में इंटरनेट का आगमन हुआ। कई तकनीकी बदलाव के कारण सभी बैंक कार्य तथा शाखा इंटरनेट के माध्यम से जुड़ने लगे। वर्ष 1997 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एटीएम सर्विसेज का पुणे तथा मुंबई में ग्राहकों की सुविधा के लिए शुभारंभ हुआ। वर्ष 1997 से 2002 के मध्य 9वीं पंचवार्षिक योजना को सुनिश्चित किया गया। सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास एवं रोजगार के नए अवसर सरकार द्वारा सामने लाए गए। तब वर्ष 1997 से 1998 के बीच श्री टी एस राघवन बैंक के अध्यक्ष रहे। उन्होंने बैंक के विसेट के माध्यम से नई तकनीक अपनाई, जिससे कार्य तत्परता आई। वर्ष 1997 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुल व्यवसाय 10,000 करोड़ रुपए के पार हुआ। वर्ष 1998 से 2000 के बीच श्री एम एन वैश बैंक के अध्यक्ष पद पर रहे। इनके कार्यकाल में सूचना तकनीकी संस्था की स्थापना स्टाफ ट्रेनिंग के लिए की गई। 10वीं पंचवार्षिक योजना 2002 से 2007 के बीच सरकार ने संपन्न की। सामाजिक संरचना, रोजगार और ऊर्जा को विशेष प्राथमिकता दी गई। श्री एस सी बसु जी सन 2000 से 2005 के बीच बैंक के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। इनके कार्यकाल में नवीनतम बैंकिंग तकनीकें अपनाई गई। टेलीफोन और बिजली बिलों के भुगतान के लिए महाबिल पे योजना शुरू की गई। बैंक संरचना को 4-स्तरीय संरचना के लिए पुनर्गठित किया गया। बैंक ने मार्च 2004 में आईपीओ लाया और जनता को 130 करोड़ रुपए प्रति शेयर 13 रुपए के प्रीमियम के साथ 100 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी की पेशकश की और बीएससी और एनएससी में बैंक को सूचीबद्ध किया। वर्ष 2007 से 2012 के बीच 11वीं पंचवार्षिक योजना के दौरान सरकार ने आर्थिक विकास तथा शिक्षात्मक एवं शारीरिक विकास पर सराहनीय कार्य किया। उस वक्त वर्ष 2006 से 2008 के बीच श्री एम डी माल्या बैंक के अध्यक्ष रहे। उनके समक्ष ही वर्ष 2007 में बैंक को सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का प्रकल्प चलाने के कार्यक्रम हेतु ऊर्जा मंत्रालय का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत 2007 में हुई।
द बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम नेटवर्क 345 अंक तक पहुंच चुका था। वर्ष 2007 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुल व्यवसाय 50,000 करोड़ रुपए के पार हुआ। वर्ष 2008 से 2010 में श्री एलन सी ए परेरा बैंक के अध्यक्ष थे। वर्ष 2009 में ज्येष्ठ नागरिकों के लिए केंद्रीय पेंशन प्रक्रिया केंद्र शुरू किया गया। पेंशनरों के लिए पेंशन पेमेंट शाखा फरवरी 2009 को पुणे में शुरू की गई। वर्ष 2009 को राष्ट्र की सेवा में समर्पित बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 75वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश हुआ। इस उद्घाटन पर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी मुख्य अतिथि रही। समन्वित सर्वांगीण विकास हेतु 75 अल्प विकसित गांव का अंगीकरण किया। वर्ष 2010 से 2012 के बीच श्री ए एस भट्टाचार्य बैंक के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में वर्ष 2010 में बैंक की शाखाओं को 100% CBS करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ। बैंक का कुल व्यवसाय 1,00,000 करोड़ रुपए के पार हुआ। वर्ष 2012 से 2013 में श्री नरेंद्र सिंह जी ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। बैंक ने इनके कार्यकाल के दौरान सभी व्यावसायिक मापदंडों में एक मजबूत प्रदर्शन किया। कठिन बैंकिंग परिस्थिति होने के बावजूद बैंक ने कुल मुनाफे में भारी इजाफा दर्ज किया। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के चलते भारत में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार हुआ। वर्ष 2013 से 2016 के बीच कार्यरत रहे श्री एस मुहणोजी, ये मुहणोजी ही थे जिनके समक्ष 2016 में आई नोटबंदी के बाद डिजिटल बैंकिंग के प्रति ग्राहकों में भारी बढ़ोतरी हुई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने समय पर इसका ध्यान रखते हुए कई डिजिटल सेवाओं का आरंभ किया। वर्ष 2016 से 2018 में श्री आरपी मराठे जी बैंक के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल रहे थे। इनके कार्यकाल में इंटरनेट बैंकिंग, महामोबाइल, महायूपीआई इत्यादि सेवाएं सुचारू रूप से शुरू करके बैंक ने अपने सभी ग्राहकों के लिए एक नए युग की शुरुआत की। श्री ए एस राजीव जी को वर्ष 2018 में प्रबंध निदेशक का कार्यभार उनकी कार्यकुशलता के आधार पर सौंपा गया। श्री राजीव जी आज भी उसी निष्ठा से बैंक के निहित में लगे हुए हैं। इनके कार्यकाल के दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखाओं में डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत तकनीकी वृद्धि के साथ साथ ग्राहकों को विविध आर्थिक सेवा सुविधा पर जोर दिया गया, जैसे कि ऑनलाइन बचत खाता खोलना, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन, व्हाट्सएप बैंकिंग, शिक्षा हेतु लोन, मुद्रा लोन, MSME के लिए सरकारी स्कीम, डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, महामोबाइल ऐप, महायूपीआई, ESPTR, निजी तथा डिजिटल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ई गैजेट्स, भारत बिल पेमेंट सर्विस, भीम आधार पैन, डिजिटल साइनेज सिस्टम, BC यानी बिजनेस करस्पोंडेंस अंतर्गत दिव्यांग तथा ग्रामीण विकास हेतु व्यक्ति विशेषतः महिलाओं को आर्थिक मदद बैंक द्वारा पहुंचाई गई। बैंक ने स्वनियोजित क्षेत्रों को लघु व्यवसाय ऋण प्रदान करने के लिए सह उधार मॉडल CLM यानी को लेंडिंग मॉडल के तहत लोन टैप के साथ एक समझौता किया। MSME और नवीन उद्योगों को बढ़ावा देते हुए लोन टैप द्वारा आसान लोन लेना हुआ और भी आसान। बैंक ने सरकार द्वारा बनाए ईज नियमों के तहत प्रशंसनीय काम किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इन उपलब्धियों के चलते भारतीय बैंक संगठन एवं भारत सरकार द्वारा समय समय पर बैंक को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने आउटरीच प्रोग्राम में कई कमर्शियल और रिटेल ग्राहकों को सहभागी करते हुए कैंप लगाकर प्रस्ताव तथा निधि का वितरण अनुमति प्रदान करता है। वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत ग्राहकों से उनके आर्थिक विषय एवं विकास संबंधी जानकारी को बढ़ाया जाता है। बैंकिंग सुविधा तथा योजना की जानकारी देकर शंकाओं का निराकरण किया जाता है। वित्तीय पहलू उजागर होने से उन्हें आसानी होती है। SHG फार्मर्स योजना के तहत किसानों और सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य विशेषतः महिलाओं को बहुत मदद मिलती है। उन्हें बैंक द्वारा संचालित रूरल डेवलपमेंट सेंटर व्यवसाय प्रशिक्षण देता है, जिससे उन्हें व्यवसाय शुरू कर उत्पन्न कमाने का मौका मिलता है।
और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से क्लस्टर विकास में वित्तीय भागीदारी के रूप में बैंक के महत्व को समझाता है। गांव देहात में हमारे निर्धन भाई बहनों के लिए निर्मित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक ने एक उत्कृष्ट काम किया है। इस योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने हेतु सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बैंक ने सतत प्रयास किए हैं। जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण का योगदान दिया। इस वर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित मंथन राष्ट्रीय बैंक परिषद कार्यक्रम के दौरान औरंगाबाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना 87वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर भगत के कराट समेत कई अन्य राष्ट्रीय बैंक के अधिकारी मौजूद थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने ग्राहकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। जनसेवा हेतु 2021 में बैंक ने अपनी 2000वीं शाखा का अनावरण किया। भारत की आजादी के गौरवशाली अमृत महोत्सव में आत्मनिर्भर भारत बनाने के मार्ग में बैंक ने कई कदम बढ़ाए हैं, जैसे कि जनधन योजना, क्रेडिट कैंप, डिजिटलाइजेशन डे, आउटरीच कार्यक्रम इत्यादि। इस वर्ष बैंक रुपे कार्ड वितरण, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, APY एनरोलमेंट कैंपेन, क्रेडिट आउटरीच कैंपेन, ग्राहकों से संपर्क अभियान इत्यादि विभिन्न योजनाओं पर ध्यान रखे हुए हैं। वर्ष 2020 से 2021 में बैंक का वार्षिक प्रदर्शन अत्यंत उत्कृष्ट रहा है। एक अभिजीत सेना अध्यक्ष की तरह श्री AS राजीव जी ने निदेशक मंडल को संभाले रखा है। उनकी कार्यशैली और उत्कृष्ट महाप्रबंधक टीम ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मीलों आगे ले जाने का सराहनीय काम किया है। बैंक ने सजग एवं अनुशासित महाप्रबंधकों ने सबको ये विश्वास दिलाया कि मुश्किल से मुश्किल काल में भी कड़ी लगन और मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। आज बैंक जिस स्थान पर खड़ा है उसमें सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का संयोजित योगदान रहा है। इस वर्ष बैंक का कुल व्यवसाय 3,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सदा ही समाज कल्याण एवं लोक निर्माण में अपना योगदान दिया है। इन वर्षों में ऐसे असंख्य मौके आए जब बैंक ने जन कल्याण को सर्वोपरि रखकर सेवा भाव से समाज की मदद की है। कोविड काल में जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 500 रुपए बैंक के मार्फत कठिन स्थिति में भी मदद पहुंचाई गई। कोविड संक्रमण के दौरान तथा बाढ़ समस्या में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सतारा, सांगली, कोल्हापुर, रायगढ़ इत्यादि जगह विभिन्न प्रकार के राहत कार्य और उपयोगी साधन सामग्री का प्रदान किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्वच्छ भारत, पर्यावरण दिवस, योग दिन, फिट इंडिया फ्रीडम रन का बड़े उत्साह से आयोजन किया। इस बैंक ने एक लंबा सफर बैंकिंग की दुनिया में तय किया है। ये बैंक जैसा कल था आज उससे भी ज्यादा सुलभ, सक्षम और समृद्ध हो गया है। आपके धन, निवेश और आपके विश्वास को बढ़ाता जनसेवा में 87 साल बैंक ऑफ महाराष्ट्र मना रहा है आजादी के 75 साल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक परिवार एक बैंक। एक परिवार एक बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र।